स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग लाए हैं आपके सामने एक नई ऐप से ऑर्डर किया है, इसका नाम है ईट श्योर। तो ऐसे तो बहुत सा नाम सुना होगा आपने, जोमेटो, स्विगी, इसका भी हमने नाम सुना था लेकिन कभी ऑर्डर नहीं किया था। तो हमने सोचा कि इसके थ्रू ऑर्डर करके देखते हैं क्या बढ़िया आता है कि नहीं। तो इस ऐप का फ़ायदा ये कि भैया ये फूड कोर्ट ऑन द ऐप है। तो बेसिकली नॉर्मली स्विगी और जोमेटो से जब हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक ही रेस्टोरेंट से, एक ही दुकान से आपको सारा सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप अलग अलग दुकानों से, अलग अलग ब्रांड से आप अलग अलग चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये हमने ऑर्डर किया है। फसोस से 1+1 की स्कीम चल रही थी तो हमने 2 रोल मंगाए, अभी दिखाते हैं आपको खोल के। साथ ही साथ बिरयानी एक स्कीम चल रही थी वो हमने मंगाया, अभी आपको खा के दिखाएंगे कैसी है। और साथ में जो अच्छा रायता भी दिया, ओके। और क्या दिया है, सीजनिंग के लिए दिया, अच्छा, ओके। और एक जीरा मसाला भी ऑर्डर किया था। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि ये बॉटल में आएगा, अच्छी बात, जीरा मसाला बॉटल में आया है। साथ में हमने चिकन टिक्का भी किया है, ये रहा, है ना। तो काफ़ी चीज़ किया, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से, टॉप से कैसा दिख रहा है ये। और ये भाई साहब कोने में बैठे हुए हैं, तब से खेल रहे थे और अभी देखो चुप हो गया, अच्छी बात है। तो अभी दिखाते हैं, हाँ चलिए दिखाते हैं आपको, दिखाओ पूजा क्या क्या है, बताया था। अब टॉप से दिखाते हैं, फिर से देख लो, ईट श्योर नाम है ऐप का, फूड कोर्ट ऑन एन ऐप, डिस्काउंट भी चलता रहता है। तो ये रहा अपना चिकन टिक्का मसाला, ये बगल में रहे 2 रैप्स, है ना, और ये रही बिरयानी। अच्छा, देखने में तो लग रहा था यार काफ़ी बड़ा है ये बिरयानी का डब्बा, लेकिन भाई जब हमने खोला तो बहुत छोटा निकला, देखिए कैसा है इसके अंदर, लेट्स सी। तो ये रहा राइस, साथ में है ये रायता, और ये रैप भी अभी आपको दिखाते हैं खोल के, खोला जरा। फसोस में जो स्कीम चल रही है 1+1 की थी, रैप तो फसोस के काफ़ी फेमस ही है, आप लोगों को पता ही होगा, आपने ऑर्डर किया होगा। और अभी मैं आपको टोटल बताता हूँ कि हमें कितना प्राइस पड़ा। तो ये रहा रैप कुछ ऐसा दिखने में है, ये मैदे का है, और ऑप्शन ये है कि आप आटे का भी ले सकते हो, वो भी एक ऑप्शन था। तो हमें जो टोटल पड़ा है वो पड़ा है लगभग, ये आप देख सकते हो, 1+1, ठीक। और इनवॉइस हमने जो डाउनलोड की थी अभी वो भी दिखा देते हैं आपको। बिरयानी के चावल थोड़ा आप दिखाओगे, इसकी क्वालिटी तो हमें ठीक लग रही है, ये पीस देखो इसके अंदर रख रख के इन्होंने। तो बेसिकली हमने नॉन वेज बिरयानी की थी क्योंकि वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है भाई, है ना। देखने में तो सही लग रहा है, अभी आप खा के भी बताएंगे कि कैसा है। साथ में रायता था और रैप, ये रहा जो मैंने आपको बताया था, रैप में भी चिकन है, दिखा देता हूँ आपको, इसमें पनीर है, सॉरी, एक वेज किया था और एक नॉन वेज किया था। और हमें जो पड़ा वो आप देख सकते हो बिल में, ईट श्योर के बिल में, कि हमें ये पड़ा लगभग कितने का, 4, कितने का पड़ा ये, जो पड़ा ये पड़ा लगभग 469 रुपीज़ का, जिसमें आप ये देख सकते हो मिनी बिरयानी मील है नॉन वेज, एक लोगों के लिए चिकन टिक्का कबाब 5 पीस, लखनऊ मिनी चिकन बिरयानी, जीरा मसाला, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं हमें 469 की। अब आपको खा के बताएंगे कि भैया कैसा है ये एक्चुअली में। थोड़ा सा ठंडा हो गया तो पहले गर्म कर लेते हैं, फिर आपको खा के इसका रिव्यू बताते हैं। तो भाई पूजा तो फीड करा रही है लेकिन मैंने सोचा मैं बताता हूँ आपको। तो अभी हमने गर्म कर लिया है बेसिकली माइक्रोवेव में। पूजा को तो लग रहा है यार महंगा है और कम है, तो अभी पहले ये खा के देखते हैं कैसा है। कैसा है? सलामी जैसा। मोबाइल सलामी नहीं, चिकन सलामी, राइट। स्टार्टर खा रहे हैं रात में, ये इसके MRP जरूरी था, उसके MRP नहीं दी भाई, स्विग नाम से। अच्छा, MRP है 60 रुपये लिखा है भाई कैप के ऊपर।
रिफ्रेशिंग है, पी के देखो पूरा ये भी अच्छा है। अच्छा, हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसके एक डिसएडवांटेज हमको लगा कि इसको, क्योंकि दो रेस्टोरेंट गया था ये, है ना, एक फसोस गया था, एक जगह और गया था, दो जगह या तीन जगह से आप लाओगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, एक घंटा लगता है। अगर इसने जल्दी पिक कर दिया राइडर ने तो एक घंटे की जगह 45 मिनट या आधे घंटे, तो इतना टाइम होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब ये ऑर्डर लेके आते हैं तो भाई उतने में क्या होता है ना, ठंडा हो जाता है खाना। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है या नॉनस्टिक तवे पे कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें माइक्रोवेव में जल्दी हो जाता है, तवे भी कर सकते हो, ये खा के देखो। तो एक तो वो है कि थोड़ा ठंडा हो जाता है, बाकी देखो पॉजिटिव चीज़ ये है कि दो तीन चार रेस्टोरेंट से एक साथ ऑर्डर कर सकते हो। जैसे फैमिली में कोई बोलता है मैं मैकडी से खाना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं KFC से, कोई बोलता है मैं यहाँ से, कोई वहाँ से, तो चार पांच जगह से आप ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अगर आपने रेस्टोरेंट अच्छा चूज़ किया है तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये तो हमने खाया कबाब, अब हम खाने जा रहे रोल। तो एक वेज है और एक नॉन वेज है, चिकन वाला, है ना। तो पहले वेज वाला खाते हैं, आधा आधा फसफोस वाला है ये लो, गिरे ना देखना। तो पहले वेज वाला पनीर वाला खाते हैं। अच्छा। तो वैसे तो रोल्स हमें रोल्स किंग के सबसे बेस्ट लगते हैं। रोल किंग्स के आप एक बार ऑर्डर करो, अगर खाए हो तो लोगों को पता होगा। कोल्ड ड्रिंक की जगह ये ऑर्डर किया, ये फ्री में मिली बाय द वे। और अब एक और रोल है जिसमें चिकन लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो एक दो तीन चार पांच पीस है, म्यूनीस भी हैं, तो इसको भी दो पार्ट में कर लेते हैं। ये देखते हैं कैसा, ज्यादा वेज अच्छा है, वेज ज्यादा अच्छा है, मुझे तो नॉन वेज ठीक लग रहा है। पीस मोटे हैं भाई, है ना, तो मुझे तो ठीक लगा। और अभी बिरयानी नहीं खाई है, बिरयानी बाकी वो भी खा के दिखाते हैं साथ साथ में, ये भी। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई सिंगल बंदे के लिए तो ये मोर देन एनफ है, इसीलिए मैंने दो लोगों के लिए ऑर्डर किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सब कुछ लगा के 469 रुपीज़, है ना, तो लगभग 450 भी मानो, है ना, तो 225 रुपए का अप्रॉक्स आया, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, ये भी बता दूँ, है ना। अब आपको बिरयानी खा के दिखाते हैं कैसा है। हाँ तो भैया आप जा रहे हैं बिरयानी टेस्ट करने, पिछले वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा सर कटा हुआ नज़र आया होगा, पिछले क्या वीडियो तो कॉन्टिन्यूटी है, हमने ब्रेक में बनाया है। तो खा के दिखाते हैं बिरयानी, देखने में तो सही लग रही है, खा के बताते हैं आपको। आई नो आप लोग लग रहा होगा साले का पेट देखो कितना मोटा है, खा रहा है। हाँ भाई हूँ मैं मोटा, मुझे अच्छा लगता है, आई रिलिश द फूड। तो नॉर्मली बिरयानी में क्या होता है, हमने बहुत जगह की बिरयानी खाई है, बिरयानी में प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं पर राइस बढ़िया, मसाला बढ़िया और पीस बेकार। इसके दोनों ठीक दिख रहे हैं, राइस तो ठीक था। भाई प्राइस के हिसाब से तो सही है, सही लग रहा है मुझे, कांटे से कट नहीं रहा है भाई, इसको हाथ से काटना पड़ेगा।
और देसी की तरह हाथ से बनाए। आप लोगों को मजा आता है, असली स्वाद हाथ से आता है। और रायता भी है, लेट मी ट्राई द रायता। और अभी भी मेरा टिक्का नहीं खत्म हुआ है, देखो एक बज गया है ना, प्लस ये भी नहीं खत्म हुआ है, वेज पूजा ने आधा छोड़ दिया है और ये भी नहीं खत्म हुआ है। तो भाई लग रहा था कम, लेकिन जब आप खाना खाओगे स्पेशली दो लोग तो हो जाएगा। 250-250 रुपए की कंट्री करो दोनों लोग, या 200-200 रुपए की, 50 रुपए तो थोड़ा लगेगा ही भाई, घर पे बैठ के खाना मंगा रहे हो खाना, साथ में ये भी मिल रहा है 60 रुपए का। मुझे लग रहा था फ्री में, लेकिन फ्री में नहीं, इसके भी कॉस्ट ऐड कर लिए। लेकिन भाई बंदा आया, इतनी दूर से लगे आया, तो उसको भी कुछ प्लेटफॉर्म फीस भी देते हैं। तो भैया हमें तो बढ़िया लगा, मैं इसको दूंगा 10 में से 7 नंबर। 7 नंबर इसलिए क्योंकि टाइमिंग इम्प्रूव कर सकता है, और 7 नंबर इसलिए भी दूंगा कि बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि रेस्टोरेंट जो बिरयानी वाला था, ये भी जो भी रेस्टोरेंट आप चूज करोगे आप चूज करिए कि कौन सा बेस्ट खाना कहाँ मिलता है। और टाइमिंग को मैं इनकी वो दूंगा कि भाई लेट डिलीवरी होती थोड़ी बस, बाकी बहुत बढ़िया था। प्राइस के हिसाब से ठीक है, मतलब ऑफकोर्स घर पे बैठ के खाना खा रहे हो भाई। तो अब ये भी बता दूं भाई हमने क्यों मंगाया था, आज हमारी सैलरी आई है, तो आज हमारा सैलरी डे था। हम महीने में एक बार बाहर का खाना मंगाते हैं, डेली नहीं खाते हैं हम लोग, घर में पूजा बनाती है खाना वही हम खाते हैं। और हमारा बच्चा पूरा वीडियो बनाते बनाते सो गया, वो भी उसने भी खाना खा लिया, पूजा ने फीड करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।